आज मैं स्पीकर के रूप में एक थोड़ा सा जीरो अवर मेरे लिए थोड़ी दो मिनट जीरो के चाहूंगी। आई एम सॉरी, मैंने भी कई जगह लगता है एज ए स्पीकर और एज ए पर्सन मैं किसी भी सदन के सदस्य के साथ अन्याय नहीं करूं, ये मेरी भी भावना है। इसलिए मैं कुछ आपके सामने तथ्य रखना चाहती हूं। कल जो भी कुछ परसों जीरो आवर में श्री वीरेंद्र कुमार जी ने बात उठाई थी और उस समय माननीय ज्योतिरादित्य जी का नाम आया था, वो आहत हुए थे। मैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी सम्मान करती हूं, केवल उनका सम्मान नहीं करती, उनकी दादी जी को भी हम खूब सम्मानित सब लोग करते थे, उनके पिताजी भी इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे, उनका भी हम सम्मान करते। जब माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया आहत होकर मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था बार बार मेरा नाम इस तरीके से लिया गया है, मैं कुछ स्टेटमेंट देना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। मुझे भी लगा अगर वो आहत हुए हैं, उनको बोलने का मैंने मौका भी दिया। कल उन्होंने यहां पर अपनी बात भी रखी और बात रखने के बाद जो कि हंगामा हुआ, वीरेंद्र कुमार जी ने भी उस समय कुछ अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहा था। यस वीरेंद्र, मैं आपकी बात कर रही हूं, मगर उस समय मैंने सदन में जितने भी शोरगुल हो रहा था तो मैंने वीरेंद्र जी को समय नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने पूरा रिकॉर्ड देखा। थोड़ी सी गलती हमारे ऑफिस की भी है, मुझे मान्य करना चाहिए। मैंने पूरा जो अनकरेक्टेड स्टेटमेंट जो थे वो भी देखे। मैंने बात करते समय ये भी कहा था कि किसी का नाम नहीं होता, हमेशा मैं बोलती हूं नाम डिलीट करा करो, लेकिन जब मैंने देखा अनकरेक्टेड स्टेटमेंट में श्री वीरेंद्र कुमार ने जो बात कही थी, उन्होंने बात ये कही थी जो भी उनके यहां घटना घटी थी ग्वालियर में और हाँ शिवपुरी में, तो उस संदर्भ में उन्होंने ये कहा था कि संसद सदस्य श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि और नाम लिया था। गलती से मेरे ऑफिसर्स ने, मैंने जब नाम कहा कि नाम डिलीट करो, तो उन्होंने पूरा का पूरा वाक्य, और इसके कारण वो ये हुआ कि जैसे संसद सदस्य ने कुछ कहा, ये ज्योतिरादित्य जी को लगा। उन्होंने संसद सदस्य पर आरोप नहीं लगाया था, संसद सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, ऐसा करके पूरा वाक्य कहा था। और मैंने वो सब कल स्टेटमेंट देखा, मैंने कहा। दूसरी बात, दो तीन जगह ऐसा हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने दो बार किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कांग्रेस नेताओं ने या कांग्रेस ने, मगर वो भी गलती से इन लोगों ने रिकॉर्ड से हटा दिया, उसके कारण भी ज्योतिरादित्य को कुछ इस बारे में ऐसी संदिग्धता पैदा हुई। और मैं इसलिए आज ये कहना चाहूंगी कि माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने डायरेक्टली उन पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा दिया था। मुझे वीरेंद्र के ऊपर भी न्याय करना चाहिए, मैं उनको जानती हूँ, सालों साल से बड़े गंभीरता से वो अपनी बात उठाते रहे हैं, काम करते रहे हैं। कल मैंने आपको मौका नहीं दिया, मगर आज मैंने सोचा कि हाँ, मुझे न्याय करना चाहिए कि उनको भी कहीं मन में ऐसी संदिग्धता नहीं रहे। थोड़ी सी गलती कहीं ना कहीं मेरे ऑफिस के शोरगुल में उन्होंने इस तरीके से डिलीट किया।